बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपको जूते का तरीका सिखाऊंगी कि जूता किस तरह बनाया जाता है। सबसे पहले हम इसका सोल बनाएंगे। तकरीबन एक साल के बच्चे के लिए ये हम जूता तैयार करने लगे हैं, ब्लैक कलर में। ये तीन प्लाई नाज़रीन, ये ऊन है और 9 नंबर क्रोशिया है। सबसे पहले हम ये चैन लेंगे, 30 चैन हमने लेनी है। इसको नहीं हमने गिनना, इसके बाद हमने 30 चैन बनानी है। 30 चैन पूरी हो गई हैं। अब हम इसे बुनना शुरू करेंगे। ये देखिए, एक हमने छोड़ के दूसरे में हमने ये डालना है, डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह इन सब में हमने डबल क्रोशिया करते जाना है। जिन मेरी बहनों ने मेरे चैनल को अभी वॉच किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप मेरे नए नए डिज़ाइन बनाते रहें। नाज़रीन, इसी तरह ये डबल क्रोशिया हमने करते जाना है। ये इस तरह की 4 लाइनें हमने बनानी हैं। अब हमने 3 चैन लेनी है, 1, 2, 3, और वापस हमने ऐसे एक को छोड़ के दूसरे में हमने ये डालना है, एक को छोड़ के दूसरे में। दूसरी साइड से भी ऐसे ही बनाना है। पहले 3 चैन लेनी है और उसके बाद ये एक छोड़ के उसमें डालते जाना है। इसी तरह सारा, इसी तरीके से ये दूसरी हमारी लाइन शुरू हो रही है। दो हमने और बनानी है। ये 4 लाइनें हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। अब हम डबल क्रोशिया करेंगे, एक में 2 बार। ये देखिए, ये 3 दफ़ा हमने करना है डबल क्रोशिया। अब ये हम एक दफ़ा डबल क्रोशिया करेंगे। एक में एक एक ही डबल क्रोशिया करते जाना है।
इसी तरीके से नाभी ये सारा बनाते जाना है। ये जितना आप बड़ा चाहे सोल बना सकते हैं, लेकिन इसका तरीका यही है। नाज़रीन हमारा सोल मुकम्मल हो चुका है। अब हम दूसरा हिस्सा बनाएंगे इसका ऊपर वाला। देखिए नाज़रीन, ये पहले मैंने जूते का पैर पहले बना के रखा हुआ है। देखें बहुत ही प्यारा बना हुआ है। ये जो इसमें मटेरियल ऐड होगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये वाली तार लगाई गई है नाज़रीन। ये जो नीचे मैंने लगाई है ये वाली, ये तार बिजली की तार है। उसमें वो तांबे की तारें होती हैं वो निकाल दी गई हैं। ये खाली तार है और इसको दूरा कर दिया गया है। कि इसके बाद ये नाज़रीन मैंने ये सोल के लिए जो साइकिल से ट्यूब निकाली जाती है, टायर से, टायर वाली ट्यूब, ये पुरानी मैंने लेके उसे अच्छी तरह से धोया है और उसका सोल तैयार किया है। ये एक मैंने साथ लगा दिया है और एक मेरे पास है। ये मैं दूसरे के ऊपर बनाऊंगी। और उसके बाद ये जनाब ये सोल लगा के चारों तरफ से ये देखिए समद के साथ ये सारा इसे चिपका देना है। और इसके बाद ये हम प्लास्टर डालेंगे। अगर प्लास्टर आपके पास नहीं है तो मोटा कपड़ा डाल लें या फिर कोई रूम वगैरह। और नाज़रीन ये देखिए शीशा है, ये जो हमने लगाया हुआ है ऊपर, ये शीशा सबसे पहले हम समद के साथ उल्टा करके लगाएंगे। इसे ऐसे लगा के ये ऐसे उल्टा कर देंगे। थोड़ी देर में ये ड्राई होने के लिए रख देंगे। और उसके बाद ये हम जो मैंने लंबे फोम लगाए हैं वो हम लगाएंगे और इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। ये सबसे पहले हम ये हम तार लगाएंगे, ये जो मैंने लगा के रखी हुई है पहले से। ये इस तरह से फोल्ड करेंगे इसे हम। और इसके अंदर ये नाज़रीन ये जो पाइप है ये मैंने जूस वाला यूज़ किया है, जिससे हम जूस पीते हैं वो वाला पाइप है। ये इधर भी मैंने लगाया है ये देखें, और ये इधर भी हम लगाएंगे करके। और ये देखिए नाज़रीन, आपको ये नज़र आ रहा है, ये देखिए दो सुराख, उसमें हम ये डाल देंगे। और ये तार जो है हम दरमियान से काट देंगे। नाज़रीन हम ये समात लगा के नीचे पक्का करने के लिए। और ये जो है पाइप ये हम इधर लगाएंगे, ये देखिए ये बिल्कुल ऐसा सीधा। और
उसके बाद ये जो है तारे, ये देखिए हम इसको नीचे निकाल देंगे इस तरह से। तो तारे नीचे निकाल के और उसके बाद हम इसे उल्टा करेंगे और इधर हमने समाद लगानी है ये सारी, और एक साइड पे हमने समाद को नहीं लगाना क्योंकि उस में ये हम ब्लिस्टर डालेंगे ऐसे करके इसके अंदर। जब ये सारा ब्लिस्टर हम डाल लेंगे तो उसे बराबर करके जो जगह हमने छोड़ी थी उस उधर भी हम समाद ये लगा देंगे और उसे अच्छी तरह दबा देंगे। ये देखिए नाज़रीन, ये हमने पाइप भी लगा लिया है इस तरह से, ये जो मैंने पहले बनाया हुआ था, और ये तारे भी लगा दी हैं उसके नीचे। ये लगा के स्मार्ट बॉन्ड लगा के, और ये मैंने सारा प्लास्टर अंदर डाल दिया था जो मैंने पहले दिखाया था। ये देखिए बहुत ही प्यारा बना हुआ है। ये देखिए जो थोड़ा थोड़ा सा बड़ा है उसे हम गुलाई में काट देंगे ताकि जूते की शेप सही बन जाए। मेरे दोस्तों, आप इस तरह का जूता बनाएं और मुझे कमेंट करें मेरे चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसके बाद हम ये अब शीशा लगाएंगे। ये देखिए स्मार्ट लगा कर उल्टा लगाना है ऐसे। ये भी हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा ऐसे, और उसके बाद हम ये देखिए मैंने ऊन ली है, ये तो खोखला ऊन है, और उसके हमने फोम बनाने हैं इस तरह के। इसके विपरीत सारे लगा के और नीचे समाप्त लगा के हम उसके ऊपर ऐसे हमने जोड़ देना है। हमारा जूता मुकम्मल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने घर में ही मेरे पड़ी हुई थी, उनसे ये मैंने जूता तैयार किया है। नाज़रीन, ये हमारा जूता मुकम्मल हो चुका है। बहुत ही प्यारा जूता बनाया गया है। ये चप्पल जूता शीशे वाला। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए